जो पास तू मेरा जहां मेरे पास है, समझे ना तू नजदीकियां कुछ खास हैं, अब दरमियां जाने ना क्यों मैं हूं तुम बिन अधूरा, कैसे मैं यूं जीऊं देखकर मुझे आजमा, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे, राही हूँ मैं मंजिल है तू, कश्ती हूँ मैं साहिल है तू, देखूं जिधर आए नजर मंजिल में हर हाइल है तू, बेअसर हुई हर दुआ फिर भी ना तू मेरा हुआ, देखकर मुझे आजमा, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे, की 10 नौजवान बेहतरीन आवाजें सुरों की रागनियों से दिलों के तारों तक। नौजवान लड़कियों की दिलों की धड़कन। For God's sake, किसी और की भी सुन लिया करो।
सुबह से घर में तूफान उठाया हुआ तुमने, बंद करो ये सब। सुबह सवेरे हमसायों के घर में जब हर रोज गाने की आवाजें जाती होंगी तो वो लड़कियों वाले इस घर के बारे में क्या सोचते होंगे जी? पहले यहां झाड़ू लगाओ और फिर अंदर आकर नाश्ता बनाओ। तुमने मेरी गाड़ी कैसे खोली? खुली हुई थी। और चीख क्यों मार रही हो? डरा दिया मुझे। मैंने डराया है? तुमने मुझे डराया है। हटो हटो, मुझे देर हो रही है, जाओ भी। नाइस बैग। थैंक्स। 5,000 है। तुम मेरी गाड़ी में ये ढूंढ रहे थे? तुम घर में पैसे रखती हो? अब नहीं रखूंगी। चोर नहीं मैं। लेकिन भिखारी हो। भीख मांगने में और कर्ज मांगने में बहुत फर्क होता है, ओके? बार बार कर्ज मांगना भीख मांगने जैसा ही होता है। एक एक पैसा लौटा दूंगा तुम्हारा। और एक एक करके ही करोगी। अच्छा, 5 नहीं तो 4, 3 दे दो, 1 दे दो। कभी नहीं मांगूंगा अंडा तुमसे। सामा, क्या हुआ तुझे यार? कुछ नहीं, फ्लू है। कैसे हुआ? अच्छा यार, सामने से तो हट, मेरा मैच चल रहा है। और तेरी कौन सी केबल लगी हुई है? स्मार्ट टीवी है, वापस रिवाइंड करके देख लेना। तूने डॉक्टर को दिखाया? मैं ले आऊं? बल्कि मैं ले आता हूं, तू बता। तू हॉस्पिटल में एडमिट हो जा। तू फ्लू को इतना लाइट मत ले। तुझे पता है दुनिया में हर रोज होने वाली 1% मौत फ्लू की वजह से होती है, और आजकल तो पता नहीं कितने। पांच। I want to sleep. Of course, तू सो जा। नींद तो बल्कि बहुत अच्छी होती है। और तू फिक्र मत कर, 7 दिन में दवाई के साथ 7 दिन में गायब फ्लू। और अगर तू दवाई नहीं मिलेगा तो गायब हो जाएगा, और ना भी लेगा तो चला जाएगा। चल मैं चलता हूं, ओके बाय। अब थैंक्स, लव यू। मेरी फ्रेंड का भी लेटर ऑन हुआ था, फिर वो तो सप्ली की वजह से हुआ था। लेकिन मेरी सप्ली कैसे आ सकती है? मैंने तो बहुत मेहनत की है। मेहनत तो मैं भी करती हूँ, पर आ ही जाती है। तुमने देखा तो है। दुआ करो कि ऐसा ना हो। मेरी दुआओं में असर होता तो सबसे पहले मैं वो टॉप करती। खैर, उफ़ो, मुझे तो बताना याद ही नहीं रहा। अम्मी कह रही थी तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए? वक्त और फासले
कुछ ना तेरे आगे दिल की दरीचों से तुझ तक आ जाऊं जो तू पुकारे तेरे दिल में तब तक जब तक तू चाहे मुस्कुराए हंसती रहे सदा दुआ है मेरी हमेशा तू खिलती रहे मैं कह ना पाया ये तुझसे तू मोहब्बत थी मेरी खुदा से मांगू यही बस तू खुश रहे तू खुश रहे। अच्छा गया तुम बेहतरीन आवाज अच्छी है पिच भी अच्छी थी सुर भी अच्छा है इसमें वेरिएशन भी काफी है लेकिन दिल को नहीं लगा जाना क्या हुआ क्या हुआ कोई बात नहीं तुम उन्हें पसंद नहीं आई तो अभी तो पहला रिश्ता आया है और इसमें रोने वाली क्या बात है और ये तुम्हारे हाथ में क्या है मुझे शादी नहीं करनी मुझे डॉक्टर बनना है दिल को नहीं लगा दिल होता तो लगता ना कुछ इनको धांधली हुई है हमारे साथ यार फील नहीं वो बात नहीं है आपके अंदर जो लोगों को ट्रांस में ले जाए उल्लू का पट्टा और जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो क्या था बात करते हैं तुझे तो पता है मुझे सिंगर बनने का कोई शौक नहीं है बस है थोड़ा बहुत और गाता भी अच्छा हूँ नहीं बिल्कुल और शक्ल अच्छी नहीं है गाने से यकीनन मेरा हक नहीं बनता जाके मैं ट्राई करूं मुझे तो दोबारा जिंदगी में कोई नहीं आना ट्राई करने मुझसे कहते हैं आप सिर्फ शादी और मेहंदी के फंक्शंस के लिए मुनासिब हैं छी भाई नूर की माँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी नूर के नसीब ऐसे अच्छे होंगे ऐसे अच्छे खानदान में उसका रिश्ता तय हो रहा है लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बड़ी अच्छी कंपनी में काम करता है अजीम साहब ने पता करवा के दिया ना सब कुछ वो तो कह रहे थे कि आंख बंद करके रिश्ता कर दो कोई फिक्र की जरूरत नहीं और मैं तो तुम भी तो कुछ बोलो नूर का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया हाँ तो क्या है क्लियर कर लेगी भाई मैट्रिक में भी तो उसने माशाल्लाह से 972 मार्क्स लिए थे अब भी देख लेना अच्छे नंबर ही लेगी कुछ पता नहीं होता मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि बिन माँ की बच्ची है जितनी जल्दी हो अपने घर की हो जाए ताकि मेरे कंधों से भी ये जिम्मेदारी का बोझ उतरे मेरे होते हुए भी आप उसे बिन माँ का कह रहे हैं नहीं वो नहीं बस वो मुझे तो लगता है कि यहाँ रिश्ता हो जाएगा बहुत मुतमइन गए हैं वो लोग आज यहाँ से इंशाल्लाह भाई मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है उनका खानदान लड़की भी बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने कभी उसामा के लिए सोची थी हाँ वाकई लड़की बहुत ही प्यारी है अच्छा अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी सोचूं भाई तो सोचे ना आपा जल्दी से पर अभी तो हम दोनों को और भी बहुत कुछ सोचना है अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी हला की तरफ हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं। ग्रेट। तुम्हारे ऑडिशन का क्या बना? आपको कैसे पता? मम्मी बता रही थी ऑडिशन का। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा पक्की? हाँ, बड़ा ही मुतासिर हुआ मेरी आवाज, बल्कि आवाज से ज्यादा तो लुक्स और पर्सनालिटी पे। कह रहे थे I have a very bright future in music. इसीलिए फ्यूचर में आना। यानी rejected? हाँ, rudely कहें तो rejected और अगर politely कहें तो no. तालीम गाना गाने से ज्यादा अहम चीज है। हाँ I know. तो क्या? सिंगर विंगर थोड़ी बनना है मुझे, ये तो एमी मैं शौक में करता हूँ। तो कोई और शौक नहीं मिला तुम्हें रखने के लिए? अप्पू मैंने शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। क्या करोगी डॉक्टर बनकर? मेरा शौक है। इतने बड़े बड़े शौक नहीं रखते बेटा, मेरे वसाइल नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकूं। और सच्ची बात तो यह है कि मैं लड़कियों की तालीम और नौकरी के हक में नहीं हूँ। अबू मैंने भी जिद नहीं की है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तो बेटा मुझे भी तुम तीनों बहनों की शादियां करनी है बारी बारी करके। तुम्हारे अलावा भी मेरी दो बेटियां और हैं, मैं सबको घर तो नहीं बिठा सकता ना। अब तुम्हारी अम्मी भी यही चाहती हैं कि तुम्हारी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। आजा ना जाने, आजा चल माधुक चल। इसे क्या हुआ? पूछू? ये क्या कर रहे हो? फेंक रहा हूं सब। हैं? सब फेंक रहा? बस बहुत हो गया, दफा करो म्यूजिक को। क्यों फेंक रहे हो सब? इस मुल्क में ना टैलेंट की कोई कदर नहीं है। मैंने नहीं करना म्यूजिक पे टाइम वेस्ट। चलो अच्छा, कमरा तो साफ हो जाए। अम्मी चाय? तुम्हारा रिजल्ट आ गया? नहीं। मैंने तुम्हारे अब्बा से कह दिया तुम्हें लेकर जाएं और रिजल्ट पता करा के आएं। जी। अरे ये देखो, हलीमा कह रही है ये शर्ट 4,000 में बनवा देगी। ये तो है ही 20 में, तो वो 4 में कैसे बनवा दे? यार ये तो उसका मसला है ना, तुम ये दे। अम्मी क्या नाराज है मुझसे? नाराज? हम क्यों होंगे किसी से नाराज?
मेरे कुछ ख्वाब थे, एम था, पैशन था, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे बनते हैं स्टार्स, ये इज्जत है आर्ट की इस मुल्क में। अगर मेरी सगी माँ होती ना तो आज मैं रुल नहीं रहा होता। एल्बम बनाने के लिए पैसे होते मेरे पास, म्यूजिक छोड़ना नहीं पड़ता मुझे। कितने कितने टैलेंटेड सिंगर्स होंगे मेरी तरह इस मुल्क में जो वेट कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का। गाना छोड़ दो, गाना छोड़ दूं, तुमसे कोई कह भौंकता छोड़ दो, तुम छोड़ दोगी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही? मैं नूर का रिश्ता तोड़कर शहनीला का रिश्ता कैसे कर दूं? शहनीला आपकी औलाद नहीं है क्या, या बस नूर ही प्यारी है? उनको नूर पसंद है, उन्होंने तो लड़के को नूर की तस्वीरें भी दिखा दी हैं, अंगूठी पहना दी है। अब मैं नूर पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ाएं। मैं उसे डॉक्टर नहीं बना सकता, पैसे नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ, बीए कराएं उसे, एमए कराएं, भाई लायक है वो। और शहनीला को तो पढ़ने का वैसे ही शौक नहीं है। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? अब आ गया ना, अब क्या एतराज है? अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं बात कर लूंगी उन लोगों से, उनको तो हम लोग पसंद है, लड़की कोई भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। नूर के साथ सारी उम्र तफरीक की है तुमने, मगर अब मैं उसका हक छीनने नहीं दूंगा तुम्हें। ये देखो कैसी है मेरी बेटी, है ना? नहीं सकता मैं। बहुत रिवायती लोग हैं, जरा भी लिबरल नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो फिर करो। एंड व्हाट विल आई बी गेटिंग इन रिटर्न? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ओह, द न्यू एवेटार। अल्लाह खैर करे, सलाम किया है आज, लगता है कोई बहुत बड़ी रकम का मुतालबा आने वाला है। बड़े सही टाइम पे आए हो वलीद जी। वो मुझे शमामा की जीपीए का पता चला ना कि 3.5 से फिर बढ़ गई है, तो मैंने कहा मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू, ये पहली बार है कि तुम कुछ देने आए। वैसे मुझे ये नहीं समझ आता है कि लड़कियां कभी फेल क्यों नहीं होती। लड़कियां या मैं? अच्छा मतलब कि आप लड़की हैं। तुम अपने जीपीए का बताओ। वो बताने वाला नहीं है। टू बैड, खाला को बताया या नहीं? आप उनकी फिक्र मत करें, उन्हें खुद ही अलार्म हो जाएगा हमेशा की तरह। अच्छा चलो फजूल बातें छोड़ो, इधर आओ, ये तस्वीरें देखो। ये देखो मेरी लड़की, देखिए। मैंने खाला भी शादी थोड़ी करनी है मैंने। उसामा के लिए लड़की पसंद की है। ओह रियली? ये देखो, वेरी नाइस है ना? वेरी नाइस। अच्छा अगर रिश्ता ना हो तो आप मुझे बता सकती हैं? नूर बेटा। जी अबू। वो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे ताया अबू के यहाँ छोड़ा हूँ। ताया अबू क्या? हाँ वो मेरी उनसे बात हुई तो तुम्हारा बड़ा पूछ रहे थे, फिर मैंने तुम्हारे रिजल्ट का बताया तो कहने लगे कि तुम आ जाओ, यहाँ बोर्ड में मेरी काफी वाकफियत है तो मैं रिजल्ट का भी पता करवा दूंगा। अच्छा तो बेटा फिर तुम पैकिंग कर लेना। जी ठीक है। नहीं यार छोड़ दो मैंने म्यूजिक, तू देखा मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तोड़ने फेंक दिया मैंने। ये उम्मीद नहीं थी वलीद। मेरी बात सुन, जब कोई मेरी एल्बम बनाने के लिए मेरी मदद करने को तैयार नहीं तब तक अपने हाथ फैलाऊ लोगों के सामने? इसलिए तो मैं आया हूँ तेरे पास यार, तेरे मसले का हल लेके। क्या मतलब? आज से तेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है, रॉकस्टार बन जाएगा तू। वो कैसे? तो हम्बल से मेरी बात सुनेगा, पहले ये वादा कर। वादा? और बात मानेगा भी? ये वादा नहीं कर सकता। देख देख
तेरा एल्बम का लॉन्च होगा, रॉकस्टार बनेगा, ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ, सेल्फियां पे सेल्फी, आए इधर से एक आएगी, ओहो आए, हर गाड़ी हर घर में तेरे गाने गूंज रहे होंगे, हर लड़की तुझे ही चाहेगी और हर लड़का तुझ जैसा होना चाहेगा। कैसी लग रही है ये दुनिया, कॉन्सर्ट ही कॉन्सर्ट, हर पार्टी पे तेरे इनवाइट का नाम सबसे पहले होगा, बड़े बड़े स्टेज पे तुझे बुला रहे होंगे इनाम देने के लिए, तेरा नाम सितारों के अंदर रोशन हो रहा होगा, और क्या क्या मिल रहा होगा, पैसे, इतने पैसे तू सोच भी नहीं सकता, तेरी पैसे की फैक्ट्री लग जाएगी। तो कैसे होगा ये सब? नूर क्या कर रही हो? अब्बू कब से नीचे इंतजार कर रहे हैं, बस चली जाएगी? हाँ वो बस पैकिंग में थोड़ी सी देर हो गई थी। और तुम ढूंढ क्या रही हो? नहीं कुछ भी नहीं, अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। अब आराम से रहना ताया अब्बा के घर, वापस आने की जल्दी मत करना। यार सबीर से नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई क्या हो गया तुझे? This is a life changing moment for you। हाँ लेकिन ये सही है भाई, आज तेरा बड़ा दिन है और तू ये बातें सोच रहा है। Remember rockstar, album, selfies, interviews, fans। हाँ। तो फिर रुकावा क्यों है? Go, जा स्टेज पर, शोहरत कामयाबी और पैसा सब तेरे इंतजार कर रहे हैं। पक्की बात है? अभी भी रुका है, जाओ जाओ, बार बार मौका नहीं आता, जाओ ये तुम्हारा मौका है। और अब आपके सामने नामवर सिंगर वलीद अपने फन का जादू जगाएंगे, गिव हिम अ बिग हैंड। अस्सलाम वालेकुम भैयान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? अरे जमान तुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? अच्छा अभी पहले बैठते हैं, फिर बैठ के बातें करते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार बनाया। अल्लाह का करम है, शुक्र है उसकी जात का। जमान तुम तो पहली मर्तबा आयो ना जब से मैं यहाँ शिफ्ट किया हूँ? जी हाँ भाईजान, बस मैं वो पुराने वाले घर में ही आया था, मेरा ख्याल 2 साल तो हो गए होंगे। माशाल्लाह नूर तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। माशाल्लाह। ये 2 साल पहले की बात है ना, जब पिछली दफा तुम इसे लेकर आए थे साथ? जी हाँ भाभी, बस नौकरी पेशा लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, घर से निकला ही नहीं जाता। ये भी इस दफा नूर का कुछ मसला था तो मैं निकल आया, वरना कहाँ आया जाता है। हाँ नोमान मुझे बता रहे थे कि इसके रिजल्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेटर ऑन हो गया है ना, कुछ ऐसी ही गड़बड़ थी। तो मैंने फिर भाईजान से बात की तो कहने लगे मेरी बोर्ड में कुछ जान पहचान है, तुम आ जाओ मसला हल हो जाता है। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये अब मेरा मसला है, ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम चचा जा, आपको कैसी याद आ गई हमारी? वालेकुम अस्सलाम। साथ कौन आया है? अरे ये नूर है। उफ कितनी क्यूट हो गई है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। लो भाई जमान, अब नूर चंद दिन यही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी इसे खूब घुमाऊं फिराऊंगी, इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला। बैठो बैठो, चलें आप लोग गपशप लगाएं, मैं आपके लिए चाय लगवाती हूँ। थैंक यू। 4 घंटे गाया मैंने, गला बैठ गया गा गा कर, और तू ये दे रहा है मुझे 20,000? यार वो म्यूजिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए पार्टी वाले नाराज हो गए। और यार
पर ये तेरा पहला फंक्शन है, आखिरी भी। अच्छा अच्छा देख, गुस्सा ना कर, मैं तो अपनी एल्बम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तू दोस्त था इसलिए तुझे भी ऑफर दे डाली। 50,000 का कहा था तूने, 50,000। हाँ हाँ 50 भी मिला करेंगे तुझे हर फंक्शन के। लेकिन तू इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है? एक मिनट, फंक्शंस का मैं अब ये काम करूंगा है? तुझे पता है ना मेरे अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? तो यार ये कौन सा बुरा यार, देख वहां बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, दीपिका, अनुष्का सब लोगों की शादियों के फंक्शंस में पैसे लेकर जाते हैं। हाँ तो मैं कोई ना शाहरुख खान हूं और ना सलमान खान हूं, समझ आइए? और मुझे भी अगर कोई करोड़ रुपए देना तो सबकी शादियों पे जाके गाऊं मैं। और आइंदा अगर तूने मुझे किसी फंक्शन के लिए बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सभी। वलीद, वलीद यार बात तो सुन। और ये है तुम्हारा बेडरूम। मेरा? हाँ देखो ये वार्डरोब है, यहाँ तुम अपने कपड़े रख लो। वॉशरूम भी मैंने चेक कर लिया है, टॉवल्स, टॉयलेट्रीज, शैम्पू सब कुछ है। और कुछ चाहिए हो ना तो मुझे कहने ना। लेकिन मैं इस रूम में अकेली रहूंगी क्या? हाँ क्यों? असल में मैं कभी अकेले नहीं रही घर में। अगर डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। ओके मैं चाय बनाती हूँ। जमान ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि नूर को चंद दिनों के लिए मैं यहाँ रख, के घर में कोई मसला पड़ा होगा। कैसा मसला? जमान नूर का रिश्ता करना चाह रहा और उसकी बीवी चाह रही थी कि वो रिश्ता यानी लग ली करे। इसे बड़ी खुदगर्जी वाली बात। अब घर में सबसे बड़ी तो नूर है ना, तो उसूलन तो सबसे पहले नूर का रिश्ता होना चाहिए। हमें होना तो यही चाहिए, लेकिन मैंने बल्कि जमान को समझाया भी, अब वो अपनी बीवी को भी तो नाराज नहीं कर सकता। तो आप मुझे ये बात पहले बताते ना, मैं उसे समझाती, उसकी बीवी को फोन करके उससे बात करती। बहरहाल ये हमारा मसला नहीं, वो दोनों खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे तो बस उस बच्ची पे तरस आ रहा, तो मैंने उसे कहा कोई ऐसा मसला नहीं, एक डेढ़ माह वो यहाँ रह सकती। नूर की माँ आयशा की अच्छी औरत। तुम अपना बेड स्टोर में लगा लो, ये कमरा बहुत तंग तंग सा लगने लगा। अब शहनीला सनीला की सहेलियां आती हैं तो उनको भी बात करने में मुश्किल होती है, तुम भी डिस्टर्ब होती होगी। लेकिन स्टोर तो बहुत छोटा है और वहां पे चुपकलियां भी होती हैं। बड़ी हो गई हो तुम, बच्ची नहीं हो कि छिपकलियों से डरो। और छोटा है तो क्या हुआ, अकेला कमरा मिल रहा है तुम्हें, बिल्कुल अलग, खामखा के नखरे। पता नहीं अगले घर में ये भी मिलेगा कि नहीं। ये भी मेरा कोई घर थोड़ी है, मेहमान हूं मैं यहाँ पे। अरे ये क्या, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे गले को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे गले को? बैठा हुआ है, मौसम चेंज हुआ है गैस, तो हल्का फुल्का फ्लू। फ्लू लग तो नहीं रहा। क्या तुमने कहीं गाना गाना तो फिर से शुरू नहीं कर दिया? नो no. आपको पता है मैं और गाना अपनी बिल्कुल नो है। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो? रातों को गायब रहते हो, रोज रोज लेट आते हो। अब रोज तो नहीं लेट आता मैं, कमाई से भी चल रही है। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी?
मैं भी यही तो पूछ रही थी इससे कि स्टडीज कैसी चल रही हैं। बता रहा था कि कंबाइंड स्टडीज चल रही हैं आजकल। कर ही ना ले। अच्छा मम्मी मुझे इजाजत दें। अच्छा मुझे देर हो रही है ऑफिस में। हैव अ गुड डे। ऑफिस। कर ही ना ले मेहनत। अच्छा नू तो अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए तो आगे क्या करोगी? क्या करेगी? आगे पढ़ेगी और क्या करेगी? पानी नहीं और नहीं खाऊंगी मैं। इसे खाने से कुछ नहीं होगा। पूरी डिश भी खा लोगी ना तो भी कुछ नहीं होगा। लो। भाई नूर ये स्पेशली कबाब मैंने तुम्हारे लिए बनवाए। बहुत टेस्टी है। पानी के जग भूल गई तुम। मैं लेके आती हूँ। अमर चावलों में कंकर है। नूर तुमको एक दिन खाना बनाना हो ना तो मुसीबत ही पड़ जाती है तुम्हें। तो क्या सोच रही है बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? फटाफट खाओ खाना फिर बाहर चलते हैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। खाना खाओ। अरे सोई नहीं तुम अभी तक? नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। नई जगह है ना इसीलिए। तुम चाहो तो मेरे बिस्तर पर सो सकती हो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा, खुद ही तो कह रही हूं मैं तुम्हें। क्या देख रही हो? आप इतनी स्टाइलिश है जैसे वो मॉडल्स होती है ना, बिल्कुल उनकी तरह। चलो अब ये सबके सामने कहना तुम। ठीक है तुम्हें भी स्टाइलिश कर दूंगी। अभी तुम यहाँ पे रहोगी ना, देखना एक महीने बाद तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। नहीं नहीं मुझे नहीं बनना स्टाइलिश। क्यों? अम्मी और अब्बू को बुरा लगेगा। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। यू शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट देम एट ऑल। आपके लिए चाय लेकर आऊं? थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। लेकिन रात को नहीं सुबह। अस्सलाम वालेकुम। किस चीज़ की जरूरत है बीबी? वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी क्या चाहिए? नहीं मैं फारिग थी, नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं आप क्यों बनाएंगे, आप मेहमान हो, मैं बना देता हूँ। ये किसके लिए? ये बड़े साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम क्यों ले आई है? मैं फजल से पूछती हूँ। अरे नहीं ये मैं खुद ही लेकर आई हूँ।
तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? रात नींद तो ठीक से आई तुम्हें? जी, मुझे जल्दी जागने की आदत है और रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वेरी गुड, मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छा सा नाश्ता लगवाती। मेरे लिए? नहीं नहीं, वो मैं कर लूंगी। आप बताएं मुझे, कोई काम है आपको? नहीं, लेकिन बेटा अगर हुआ भी तो मैं तुम्हें क्यों कहूंगी, तुम कोई काम वाली हो। थैंक यू। नूर की बेटी ले आई, मुलाजिम नहीं? मैंने भी मना किया था, लेकिन कह रही थी कि मेरी जल्दी आंख खुल गई थी तो बना के ले आई। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। नूर, 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 हाँ मुसीबत है, कब से आवाजें दे रही हूँ। जी अम्मी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों का यूं लंबी तान कर सोना। वो आज छुट्टी थी, रात देर तक पड़ी थी, इसीलिए आंख नहीं खुली। नहीं, छुट्टी थी क्या मतलब है? छुट्टी वाले दिन घर में काम नहीं होता क्या? और मैंने कोई नौकर नहीं रख छोड़े हैं जो तुम्हें उंगली भी ना हिलानी पड़े। चलो उठा के आटा गूंदो, तुम्हारे बाप को नाश्ता देना है, जल्दी करो। दो लाख वीडियो का, 4 लाख म्यूजिक एल्बम का, चोर डाकू कहीं के। हम कुछ तो कम करवा ही लेंगे। कितने कम करवाएगा? 10-20 हजार तो कम करवा ही लूंगा। वाह, 10-20 हजार? उधार लेने हमसे? नहीं, उधार पे कौन म्यूजिक एल्बम लॉन्च करके देता है? क्या क्या बात कर रहे हैं? तूने कितने जमा कर लिए अपनी एल्बम के लिए? जितने भी किए हैं अपनी एल्बम के लिए। तो मैं भी वैसे ही पूछ रहा हूं। थैंक यू। ये लो, पकड़ो, चलो चलो चलो। सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, आपने इतना सब कुछ दिला दिया। क्यों नहीं जरूरत? डेफिनेटली जरूरत है। लेकिन इतने पैसे भी तो खर्च कर दिए आपने। एक तो तुम ये मुझे आप कहना बंद करो, और मैं पैसे खर्च नहीं कर रही, पापा ने दिए हैं ताकि उनकी भतीजी को शॉपिंग करवा दूं। अभी तुम्हें जूते भी दिलवाने चला। लेकिन नहीं नहीं, जूते तो है मेरे पास। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ है। अब चले, कम ऑन, लेट्स गो। सारी तनख्वाह खर्च करवा दी है तुम्हारी माँ ने तुम लोगों की चीजें लेने में। हाँ तो सीजन शुरू हो रहा था, लेने नहीं थे कपड़े, खरीदनी नहीं थी क्या? ये बहुत खूबसूरत है अम्मी, ये तो मैं लूंगी। थैंक यू अम्मी। नूर, तुम ऐसे करो कि मेरे कमरे में जाओ, अलमारी में पिछले साल की स्वेटरें पड़ी वो देख लो, ले लो, तुम पूरी होंगी तुम्हें, और ना भी हो तो घर में ही पहननी। जाओ और वापसी पे चाय बना ले। ये देखो ना, ये पोंचो शॉल है, इतनी हसीन, गरम। इतनी चीजें तो सारी जिंदगी में नहीं खरीदी होंगी मैंने। वलीद, वलीद रुको, अरे वलीद, वलीद कब से आवाजें दे रही हो, सुन क्यों नहीं रहे? हाय। हाँ, किसके ख्यालों में गुम हो, कहाँ आजकल? बस हूँ किसी के तसव्वुरों में आजकल गुम।
अच्छा कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहा है, तुमने हिस्सा लेना है? तुम ये नहीं पूछोगी किसके तसव्वुरों में घूमूं? लीस्ट इंटरेस्टेड, तुमने हिस्सा लेना है? दो टके का समझ लिया तुमने वैसे हैं? यानी नो? यस करूंगा। गुड, थैंक यू। साइन अप करूंगा। वो कॉन्सर्ट है ना कॉलेज में, तो दोस्त ने मंगाया। हेलो उसामा, व्हाट्स अप भाई, किधर गायब हो आजकल? इधर ही हूँ, क्या हुआ? तो फिर आ जाओ, कदर खो देता है रोज का आना जाना, मैं नहीं आ रहा। अरे वाह, बड़ी देर बाद गरज आ गई है तुम्हारी। ऐसा करो उसे तुम वापस सुला दो और मेरी तरफ आ जाओ, बहुत अच्छा खाना बना है। नहीं मैं नहीं आ रहा। सौतेली माँ के जुल्म के शिकार एक गरीब इंसान के ख्वाब क्या और ख्वाहिशात क्या? मुझसे मत पूछें कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। मामा कैन यू बिलीव दैट, कोई करता किसी के साथ ऐसे? तुम और तुम्हारे दो अला देख रही है ऐसे, जब से इसकी जीपी अच्छी आई ना किसी को इंसान नहीं समझती है। मेरा जीपी पहली बार नहीं अच्छा है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ आओ बेटा। ये है नूर मेरी चचा की बेटी, और नूर ये है बिलीव मेरी खाला की बेटी। सौतेले बेटी जी। लो तुम्हारे ताया का मैसेज आ गया। अच्छा मैं उनके साथ जरा जा रही हूँ, तुम लोग बैठो गपशप लगाओ। हाँ आओ बेटा। बाय वापिस। ये खाला आजकल कुछ ज्यादा ही डेटिंग करी खालू के साथ। Curiosity kills the cat. धमकी मत दो। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। और तुम तो जाहिर है खाने का इंतजार करके ही जाओगे। खुद ही बुलाया था आपने। आप तो मैंने क्या कहा है? हेलो ओ हाय दयान, हटो। तुम कहाँ भाई वापस यूएसए? मैं बिल्कुल फिट। अरे नहीं यार, आप भी खाना खाने आए? जी नहीं, मेरा मतलब नहीं। सो के आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है आप कह रही हो तो यकीन कर लेते। जी पता है मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है। जी वैसे तो मेरे अपने घर में मेरी कोई इतनी खास इज्जत नहीं है, लेकिन इस घर में मेरी स्पेशल इज्जत है। अभी आप देखिएगा फजल आएगा, ये बर्तन उठाएगा, आपसे भी जाएगा पूछेगा, लेकिन मुझसे नहीं पूछेगा। देख चाय पी? नहीं शुक्रिया। देखा आप कहें तो मैं ला दूं आपके लिए चाय। नहीं नहीं शुक्रिया। तो आप पढ़ती हैं? जी। पुणे कॉलेज आर्ट्स साइंस। ये सारी खूबसूरत लड़कियां डॉक्टर क्यों बनती हैं? आपको कैसे पता कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ? अच्छा मान लिया आपने कि आप खूबसूरत हैं। साहब आपकी कॉफी। हाँ
थैंक्स। आप कब तक हैं? तुमसे मतलब? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें एक तो पता नहीं क्या मसला है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। यार आदतें खराब कर दी तुमने मेरी। क्यों करती हो ये सब कुछ? क्या ये जो कर रही हो? मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले बड़ा याद करते होंगे। ये सब कुछ करती हो तुम तो डेफिनेटली याद करते होंगे। मुझे याद? इतने दिनों में किसी ने एक बार मुझसे फोन करके पूछा तक नहीं। वो कैसा है? वो कौन? वो जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है। उसकी तो मैंने अभी तक तस्वीर भी नहीं देखी। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। I don't believe this। और फिर भी हाँ कहती। अबू ने कहा था पहले अपनी डिग्री मुकम्मल करती। पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो पापा को बताते। तुम्हारी तालीम के लिए तो पापा फौरन दे देते। खैर वो करता क्या है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दुबई में रहता है। गुड, फिर तो तुम आगे जाके कुछ पढ़ लेना। लड़कियों के लिए तालीम बहुत जरूरी होती है, पता है? जी। मैं चचा को फोन करके तुम्हारे मंगेतर की तस्वीर मंगवाती हूँ। अरे नहीं प्लीज ऐसा ना करना, वो और अम्मी नाराज हो जाएंगी। हो जाए, मुझसे होंगे ना। और रिंग कहाँ है? वो नहीं पहनी? वो गुम हो गई। क्या नूर, तुमने अपनी मंगनी की रिंग गुमा दी? यहाँ गुमाई है? नहीं, घर में। शुक्र है। इतनी केयरलेस हो तो नहीं तुम वैसे? नहीं वो मिल जाएगी, मैंने दो नफिल मांगे हैं, वापस जाऊंगी तो मिल जाएगी। हाय नूर, तू कैसी प्यारी चीज है यार, बहुत क्यूट हो। ये लो। नहीं सौतेली माँ के जुल्म के शिकार एक गरीब इंसान के ख्वाब क्या और ख्वाहिशात क्या? मुझसे मत पूछें कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। ये है नूर मेरे चचा की बेटी और नूर ये है बलीद मेरी खाला की बेटी। सौतेले बेटे, पता है मेरी घर में कोई इज्जत? वैसे तो मेरे अपने घर में मेरी कोई इतनी खास इज्जत नहीं, लेकिन इस घर में मेरी स्पेशल इज्जत। ये सारी खूबसूरत लड़कियां डॉक्टर की बनती हैं। अच्छा, मान लिया आपने कि आप खूबसूरत हैं। नूर का फोन। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आपका फोन ही बंद जा रहा है। हाँ बेटा, वो फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, चार्जर मिल नहीं रहा था, अब मिला है तो मैंने चार्ज किया। तुम बताओ तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू, मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा? 1002 मार्क्स आए मेरे। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब अपनी अम्मी से बात करो। बात करना चाह रही है? खाना खा रही हो? नूर बात करना चाह रही है, कर लीजिए, बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं उसे। हेलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, याद आ गई तुम्हें हमारी? अम्मी मेरे 1002 मार्क्स आए हैं। अच्छा, कॉलेज में तो मैंने टॉप किया है और बोर्ड में मेरी 7th पोजीशन आई है। चलो मुबारक,
खैर मुबारक। वो तुम्हारे ताया अबू ने पता करा के दिया है ना? मैं घर में तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया। जी जी, ताया अबू ने ही पता करवाया है। चलो चलो लो, अपने अब्बा से बात। हाँ बेटा। अबू, आप कब लेने आ रहे हैं मुझे? बस दो चार दिन में आ जाऊंगा बेटा, छुट्टी मिल जाए तो। मैं खुद आ जाऊं बस में बैठकर? नहीं, तुम नहीं आना, मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। अकेले आना कोई अच्छा नहीं है, जमाना खराब है बेटा। अच्छा चलो, हम जरा खाना खा रहे थे, फिर बात करते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए, 1002 मार्क्स आए हैं उसके। आपके भाई साहब ने पता करा के दिया, शुक्र करें 2001 नंबर नहीं दिलवा दिया। आपकी बेटी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। और क्या अबू, ताया अब्बा की तो इतनी पहुंच है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। खाना खाओ चुप करके। हाँ नहीं हो। कितनी सेल्फिश हो तुम नूर। क्यों, क्या हुआ? 1002 मार्क्स आते ही तोते की तरह आंखें फेर ली तुमने। फौरन ही चचा के पास वापस जाना चाहती हो। लेकिन इतना टाइम भी तो हो गया है ना। तुम दिन गिन रही हो। नहीं नहीं, लेकिन मैं जहमत नहीं बनना चाहती। तुम्हारी वजह से जहमत, तुम्हारे जाने से जहमत होगी सबको। और ऐसे गैरों जैसी बातें मत करो। भाई सुना है इस घर में मेहमान भी टॉप करने लगे? यहाँ कोई मेहमान नहीं है। हाँ हाँ, मेहमान क्यों होंगे, गैर तो मैं ही हूँ ना सिर्फ। बकते रहो। मिस नूर, भाई आपको बहुत बहुत मुबारक, मिठाई खिलाएंगी ना? शुक्रिया जी, मैं आपको मंगवा के देती हूँ। इसकी जहमत मत करें, मैं ले आता हूँ। प्लीज वापस करो उसके पैसे। मिठाई ला रहा हूँ ना। 5000 की मिठाई खानी है तुमने? नहीं, 1000 की मिठाई और 4000 वापस कर दूंगा। प्लीज वापस करो उसके पैसे। रुका दूंगा भाई, भाई। वापस करो उसके पैसे। कोई बात नहीं, कोई बात। तुमने क्यों निकाले पैसे, तुम्हें पता नहीं है इसका? वो कह तो रहे कि वो वापस कर देंगे। जब देगा ना फिर कहना। इडियट, खाला को बताती। अरे नहीं प्लीज, उन्हें नहीं बताया, वो डांटेंगे वरना इसको। ये यही डिजर्व करता है। अरे नहीं कोई बात नहीं। रुको मैं देती हूँ अब तुम्हें 5000। प्लीज मैं लूंगी ही नहीं, और वैसे भी ताया अबू ने मुझे सुबह दिए थे, फालतू में रखे हुए थे, मेरे काम के नहीं थे। हाय ये लड़की कितनी प्यारी है माशाल्लाह। पता है उस दिन मैं जाती तुम्हारे साथ, लेकिन फिर मुझे शायद के फंक्शन में जाना पड़ गया। कभी अच्छा लग रहा है। ते प्यारे लग रहे हैं दोनों, तस्वीरें कितनी अच्छी खींची हैं। रुके रुके रुके, ये वलीद नहीं है? हाँ लग तो वलीद ही रहा है। इधर आओ जरा। जी ये तस्वीर तुम्हारी है ना? मेरी नहीं तो? ये जो गाना गाते हुए लड़का है, मैं थोड़ी हूं ये। तुम सच बोल रहे हो ना? ये तुम नहीं हो ना? मम्मी आप अपने बेटे को नहीं पहचान सकी, अगर सगा होता ना फौरन पहचान लेती। ये झूठ नहीं बोलता। ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की। ओए होए 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 होए, सभी बच गया मैं इस दफा, पर बार बार नहीं बचूंगा मैं। क्या बात कर रहा है? और नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता मैं काम। अरे तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। हाँ पर मम्मी और भाई को पता लग गया ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा, और मेहंदियों पे गाने की इजाजत नहीं दी हुई उन्होंने मुझे।
यार फिर सोच ले तू, एल्बम बन गई है तेरी। वाह इधर आ, एक बात बताऊं तुझे? बता। तेरी शक्ल से ज्यादा ना तेरी बातें बुरी हैं। और मेरी बात से ज्यादा तेरी सोच। आगे से ना कहीं मुझे किसी फंक्शन का इसी तरह खोया रही गुमनामी के अंधेरों के अंदर। हाँ तो बेटा फिर तुमने क्या सोचा? मेरी हुई थी अब्बू से बात, वो कह रहे थे कि मैं आ जाऊंगा जल्दी लेने। मेरा बेटा मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हें मेडिकल में एडमिशन लेना चाहिए, इतने अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे। बेटा सच्ची बात है, मैं नहीं समझता था कि तुम इतनी लाइट फाइट हो। मेरा ख्याल था ऐसे नॉर्मल सी पेपर सेटिंग में ये आ गई। ये वो ही करेगी पापा जो चचा कहे। तो ठीक है मैं जबान से खुद बात कर लूंगा। हाँ नूर तुम यहीं रह जाओ, आदत डाल दी है तुमने हमें। मैं भी इसे यही कहती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि शादी करना चाहती है। चाहती? मम्मी मेरी ब्रोशर फिर से नहीं मिल रही, आपने कहाँ रखती है? ओहो तुम्हारी अलमारी में रखी है, तुम्हें तो सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती, वहीं देखो। अच्छा इधर आ, इधर आ। क्या बैठो मेरे पास। देखो बेटा तुम नूर के साथ ये मजाक मत किया करो, तुम्हारे पापा ने मना किया है। कैसा मजाक? उसके साथ उसकी शादी के हवाले से। क्यों उसने कोई शिकायत की? नहीं बेटा उसकी वहां शादी नहीं होनी। क्यों? इसलिए कि वहां उसकी बहन की मंगनी हो गई है। What? अभी तुमने उससे ये बात नहीं करनी है। नहीं करूंगी। I know. ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरा सर मत खाओ, मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। जाओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नूर बेटा? बेटा भाईजन कह रहे थे कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊं, मेडिकल में एडमिशन लेकर दूं, तो अब वो बड़े हैं मैं उन्हें ना नहीं कर सका। अब तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। नहीं ऐसी क्या बात है बेटा, बस मैं तो ये कहना चाह रहा था कि एडमिशन लेने के बाद तुम उनके घर में ही रहोगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि शायद तुम्हें हॉस्टल में कुछ मुश्किल होगी। जी अब्बू मैं यहाँ रह लूंगी लेकिन मुझे अपना सामान लेने के लिए आना तो होगा ना? हाँ हाँ वो जरूर तुम लेने आ जाना, मैं तुम्हें दो एक दिन में लेने के लिए आऊंगा, अभी तो जरा मैं मसरूफ हूँ। ओके अब्बू अल्लाह हाफिज़। मिस नूर कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछेंगी? क्या हाल माजी मुस्तकबिल? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वो मैं एक्सक्यूज करने आया था आपसे। किस लिए? उस दिन चिचोरी बात करती थी ना मैंने, आप हर्ट हुई हैं। कौन सी वाली? वही के आप अपने आप को क्या खूबसूरत समझती हैं। कोई बात नहीं। वैसे आप खूबसूरत हैं मुझसे ज्यादा नहीं, लेकिन खूबसूरत हैं और खुशकिस्मत भी, बल्कि खुशकिस्मत ना मुझसे बहुत ज्यादा है। वो भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी भी सौतेली हैं। फिर तो आप मेरा दुख समझती होंगी है ना, और ये भी कि मैं क्यों हर एक से मांगता फिरता हूँ। जी आप म्यूजिक सुनती हैं? जी। किसको? आसिम अज़हर। हालांकि मैं उससे अच्छा गाता हूँ लेकिन। ये मैं जानती हूँ। वो कैसे? वो उस दिन मैंने आपको गाते हुए सुना था आपकी खिड़की से। मिस नूर आप खिड़कियों से जागती हैं? नहीं वो तो इत्तेफाकन मैंने। इट्स ओके मैं मजाक कर रहा हूँ, आप अगर जानबूझ के भी जाएंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप मेरी फैन है तो पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको मेरा फैन पेज ज्वाइन करना चाहिए फेसबुक पे।
है ना? जी। खुश रहे? मैं जरा संडे मार्केट से हो गया था, सीजन आया ना तो जरा जूते कपड़े वगैरह लेने। आपके पास 5,000 का चेंज है? नहीं। ओहो, मैं तो वही वापस करने आया था आपको। चले अभी तो आप यही है ना? वेरी गुड भाई, मेहमान आपके जैसा होना चाहिए कि आए मेजबान की मर्जी से और जाए अपनी मर्जी से। चलें, मिलते हैं फिर। तुमने अच्छा नहीं किया सना। मैं क्या बताऊं भाभी, मैं मजबूर हो गया था। बिन माँ की बच्ची थी ना, तो सोच लेते तो। भाई वो तो सौतेली माँ थी, मगर तुम तो सगे बाप थे ना, तुम्हें तो एहसास करना चाहिए था। भैया अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अब्बू आप मुझे लेने आ रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। हाँ बस वो बस बताना ही था तो। नहीं बेटा, तुम अब कहीं भी नहीं जा रहे, तुमने मेडिकल करना बेटा, अब उसके बारे में सोच। जीता है अबू, लेकिन एक बार तो मुझे जाना होगा ना अपने सामान लेने के लिए। वो सामान तो तुम्हारी मम्मी ने भिजवा दिया है, वही तो देने के लिए आया था मैं। ओ सामान, और ये मिठाई ये आप मेरे लिए लाए ना। शैनीला का रिश्ता तय हुआ बेटा, ये उसकी मिठाई। शैनीला का? कब? अबू मुझे किसी ने बताया नहीं। बस बेटा वो सब कुछ कुछ इतनी जल्दी में तय हुआ कि किसी को बताने या बुलाने का मौका ही नहीं मिला। शैनीला ने भी नहीं बताया, अभी मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो, मुबारक हो शैनीला, तुमने मुझे बताया ही नहीं और तस्वीरें तक नहीं भेजी। कौन सी तस्वीरें? हाँ ना, मंगनी की तस्वीरें। इतना लंबा चौड़ा फंक्शन तो था ही नहीं। जो भी था मुझे भेजो तो सही, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि लड़के का नाम क्या है और वो करता क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका नाम आहद नाम है उसका। वाओ, ये तो बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा, हमारे मंगेतर के नाम और प्रोफेशन एक ही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो क्या हो गया? दफा करो, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, बड़े आहत मिलेंगे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसको मेरी रिंग नहीं चलानी चाहिए थी। रिंग?
हेलो, तामकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहे? सही टाइम पे आना। हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से, तुम्हारे कोई काम नहीं है, गो। ये इज्जत है मेहमानों की इस घर में। मुझे बहुत काम है, ये भी करना है, मुझे और भी काम है। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। शमामा, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मिस नूर, देख रही हैं आप? मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत ज्यादा काम है, जाओ यहाँ से। और हाँ, आज मेरे पास बिल्कुल एक पैसा भी नहीं है, गो। अच्छा, वो पैसे नहीं तो नगेट्स खा लो। मैंने कहा ना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, जाओ। बिली, आप क्यों इस तरीके से उनसे बात करती है? वो हर्ट हुए होंगे। तो होता फिर, शुक्र है जान छूटी। लेकिन उनकी अम्मी भी तो सौतेली है ना? हाँ, खालू ने चोरी छुपे अपनी किसी कॉलीग से शादी कर ली थी। मेरी खाला ने बड़ी बर्दाश्त दिखाई। फिर एक हादसे में खालू और उनकी दूसरी बीवी की डेथ हो गई, तो खाला ने वलीद को अपने पास ही रख लिया। फिर तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो वाकई बहुत तकलीफ में होंगे। जो कुछ उनकी सौतेली अम्मी के साथ हुआ, उसके बाद वो वलीद को तकलीफ ही तो पहुंचाएंगी। सपने सच हो गए, रिश्तों के धागे बुन गए, वादे रंग लाए हैं, खुशियों के नाते जुड़ गए। हो रास्ता हो तेरा कहकशां सा, खुश तू रहे है ये दुआ, महकी सुबह रंगी शामें साथ में लाया हूँ, आज फलक से तारों की बारात में लाया हूँ, मांगू रब से यही दुआ हर संग सितारा हो, वादे कसमे फूल वफा के हाथ में लाया हूँ। रास्ता हो तेरा कहकशां सा, खुश तू रहे है ये दुआ, महकी सुबह रंगी शामें साथ मिलाया हूँ, आज फलक से तारों की बारात मिलाया हूँ, मांगू रब से यही दुआ हर संग सितारा हो, वादे कसमे फूल वफा के हाथ में लाया हूँ। जो नेक्स्ट गाना है ये मैं जो फरमाइश करने मैंने आपसे कहा था ना कि इसका गाना बजाना सब बंद करवाएं, मेरी आपने सुनी होती तो ये तमाशा ना हो रहा होता। गलत काम नहीं किया मैंने। गलत काम? शादी ब्याह के फंक्शंस में गाने का इतना ही शौक है ना, तो छोड़ दो डिग्री और करो यही काम। अकल से बिल्कुल पैदल है ये लड़का। मेरे उस दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? मम्मी, ये इसका नहीं, ये आपका कसूर है, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अब भुगते। अच्छा गया आपने? बेहतरीन, आवाज अच्छी है, सुर भी अच्छा है, में वेरिएशन भी काफी है, लेकिन दिल को नहीं लगा गाना। अरे उस दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? शादी ब्याह के फंक्शंस में गाने का इतना ही शौक है ना, तो छोड़ दो डिग्री
और करो यही काम। आप इसने की है काफी इंसल्ट, वो तो उसने कर दी। कितनी एम्बेरसमेंट हुई होगी उसके लिए, वो तो अपने दोस्तों से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होगा। ये भी एक अजीब तोहफा नहीं मिला आपका था। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा उसे शादी ब्याह और मेहंदी के फंक्शन में गाने की क्या जरूरत थी, आखिर उसने इतने पैसे का करना क्या है। कानून का खजाना हो तो वो भी वो खाली करते, इसलिए ये तो पूछो भी मत कि उसने करना क्या था इनका सौगंध। मुझे तो बहुत शरीफ फिक्र लग रही है, पापा ने पहले ही बहुत दुख सही है जिंदगी, ये कोई नई आजमाइश ना ले आए उनके, पता है कितनी तंग पड़ी हुई है वो उसके हाथों। खैर हाँ तो बेटा नूर, हाँ तो नूर बेटा तुम कब से जा रही हो कॉलेज? जी 2 तारीख से। गुड, मैंने जमान को फोन करके बता दिया था कि मैंने तुम्हारी एडमिशन करवा दी है। उसने तुम्हें कोई फोन तो नहीं किया? नहीं। मुझे तो लगता है माँ के साथ साथ बाप भी सौतेला हो गया। समान इतना सन मुरीद हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आता, यानी बेटी की खुशी में शरीक होना भी जरूरी नहीं समझा। वो अबू मसरूफ होंगे। अब तुम उन्हें डिपेंड मत करो, चचा से तो मैं खुद बात करूंगी इस दफा जब वो आएंगे। उन्हें हो क्या गया है? जिंदगी कुछ लोगों के लिए दूसरों से ज्यादा मुश्किल हो जाती है, जैसे मेरे और वलीद के लिए। कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं किया था उसने, कोई ज़रूरत ही होगी तभी वो शादी ब्याह में गा रहा था, वरना क्यों गाता? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ उसके लिए, कुछ भी जिससे उसकी कुछ तो ज़रूरतें पूरी हो जाएं। नूर जी। बेटा तुम्हारे ताया ने सबका जेब खर्च दिया है और ये तुम्हारा। लेकिन इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? रख लो, जरूरत पड़ेगी। सब कुछ तो आप लोग लेकर दे देते हैं। रख लो, तुम्हें तब जरूरत पड़ेगी जब तुम्हारा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा कोई किसी पर बोझ नहीं होता, हर एक अपना रिस्क खुद लेकर आता है। और देखो अब तुम ये उदास रहना छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है चुम्मा चुम्मा आरती इनकी मंगनी के लिए रोने धोने की। अच्छा ओ हाँ बेटा, ड्राइवर जा रहा है मार्केट तक मेरे कुछ दुपट्टे डाई करवाने के लिए। मुझे शमामा बता रही थी कि तुम्हें कुछ बाजार से काम है, तो ऐसे करो पहले तुम हो आओ फिर मुझे कहीं जाना है। थैंक यू।
जो पास तू मेरा जहां मेरे पास है, समझे ना तू नजदीकियां कुछ खास हैं, अब दरमियां जाने ना क्यों मैं हूं तुम बिन अधूरा, कैसे मैं यूं जीऊं देखकर मुझे आजमा, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे, कश्ती हूँ मैं साहिल है तू, देखूं जिधर आए नजर मंजर में हर हाइल है तू, बेअसर हुई हर दुआ फिर भी ना तू मेरा हुआ, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे। आज तो मैं जा रही हूँ लेकिन रोज रोज मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। मुझे पता है। अब तुम बहादुर बनो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। तुम अब बड़े शहर की लड़की हो और मेडिकल कॉलेज में पढ़ना शुरू करने वाली हो, तो अपना हर काम भी खुद करना सीखो। ठीक है, मैंने दोस्त भी बनाऊंगी। बिल्कुल बनाना, बल्कि ढेर सारे बनाना। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। I know, वो तो मैं हूँ। अगर इस तरीके से आप मेरी मदद ना करती तो मैं ओके। तकरीर बंद, कॉलेज आ गए। उतरो। लेकिन यहाँ तो इतने सारे लड़के हैं। नूर, जाओ भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ, गो। जवान लड़की है और महीनों से गैरों के घर छोड़ रखा है। भाई तुमने ही कहा था कि उसे वहां छोड़ा हूं। मैंने ये नहीं कहा था कि मुस्तकिल में ही छोड़ा उसे। अब भाईजान ने उसे मेडिकल में एडमिशन ले दिया है तो कैसे लेकर आऊं? नहीं, भाईजान कौन होते हैं तुम्हारी औलाद के बारे में फैसला करने वाले? तो मैं क्या करूं नूर का? मंगनी की
वो तुमने तुड़वा दी। अब अगर ताया ने उसे मेडिकल में एडमिशन लेकर दिया है तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। एक तो आपके ताने खत्म नहीं होते, ये शहनीला और सुनीला तो आपको दिखाई नहीं देती नूर के सामने, हर वक्त बस नूर नूर नूर। यहाँ मुझे काम की मुसीबत पड़ी है, आप अपनी लड़की को नहीं लेकर आ रहे। अच्छा बाबा ले आता हूँ, न यहाँ चैन है न वहां चैन। क्या हुआ? कुछ नहीं। कर लिया ना जख्मी हाथ तुमने, चलो आप बैंडेज करो। अरे नहीं, ठीक हो जाएगा खुद ही। ठीक करेंगे तो होगा ना, चलो। सॉरी बेटा, तो सॉरी है तो ये वलीद का तोता, लेकिन कभी कभी मुझे भी काट लेता है। सारा दिन रट लगाता है, खाना है कुछ खाना है, और इतना भूखा है कि सारा वक्त खाना ही मांगता रहता है। सुना आपकी मंगनी टूट गई, मुबारक हो। जी ओ, मेडिकल के एडमिशन के लिए और मेरा फैन पेज ज्वाइन करने के लिए। आपको कैसे पता? लो मैं तो रोज न्यू लाइक्स चेक करता हूँ, अगर हो तो। पता है वैसे आजकल ना लोगों का म्यूजिक टेस्ट बहुत खराब हो गया, मुझ जैसे अच्छे सिंगर्स को सुनने के बजाय वो पता नहीं किस क्या नाम है उसका, आसिम अजहर को सुनते हैं। मैं सुनती हूँ आपके गाने। हैं? अच्छा, थैंक यू। वैसे आपके मंगेतर का क्या नाम था? अहद। अहद। सॉरी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल मैंने कॉफी बनाना शुरू कर दी। एक मिनट। सॉरी। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं वलीद के लिए भी बना लाऊं, फिर सोचा तुम्हारे लिए भी बना लाऊं। ये कॉफी नहीं पीती अम्मी, चाय पीती हैं। तो बेटा मैं चाय बना लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कॉफी पी लेती हूँ। Are you sure? पता है समीना तुम्हारा बहुत जिक्र कर रही थी, वो खुद भी बहुत अच्छी। हाँ हाय, लगता दुनिया में सब इतने अच्छे हैं सिवाय मेरे। इसकी बातों पर कोई तवज्जो मत देना, ये ऐसी ही बातें करता है। कॉफी कैसी? बहुत अच्छी। तुम आती जाती रहा करो ना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है बेटा। मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, कॉफी तो खत्म करो। नहीं वो मैं किसी को बता कर नहीं आई तो ताई ने परेशान हो रही होंगी। अच्छा जाओ बेटा, छोड़कर आओ, छोड़कर आओ। चले मैं छोड़ा था, उठे जाने। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी सौतेली अम्मी इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ आपको क्यों बुरी लगी, उनके हाथ की कॉफी जो पी कर आई हैं आप? नहीं वो जैसा मैंने सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है मुझे डॉक्टर्स बहुत जहर लगते हैं। हाँ वैसे मेरी मम्मी को डॉक्टर्स बहुत पसंद है, मुझे लगता है मेरी शादी भी ना किसी डॉक्टर लड़की से करेंगी। फिर मुझे यकीन है और उन्हें भी कि कोई डॉक्टर लड़की किसी मिरासी से तो नहीं शादी करेगी, है ना? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप बहुत अच्छे हैं।
कोई भी लड़की आपके साथ शादी कर सकती है। आपके नहीं जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। देखा, आप तो अपने जैसे किसी शादी करेंगी ना, बहुत लायक हो, मेहनती, डेडिकेटेड डॉक्टर, और आसिम अज़हर के गाने सुनता हो। चले हैं। वलीद बड़ा फ्लर्ट है, लड़कियों से दोस्ती करना उसके बाएं हाथ का काम है। तुम और वो कुछ बातें कर रहे थे आज। हाँ, वो मेरा हाथ जख्मी हो गया था। कैसे? वो मैं तोते को देखने के लिए गई थी तो उसने मुझे काट लिया, फिर उसकी अम्मी ने मेरी बैंडेज भी कर दी। ओह, अच्छा, आंटी से भी मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ, काफी अच्छी है वो, उन्होंने मुझे कॉफी भी पिलाई थी। फिर? फिर बस मैं आ गई वापस। जितना बुरा मैं समझती थी उतनी बुरी नहीं है वो। इतनी बुरी होती तो ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल ना होता। तुम्हें तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि उल्टी सीधी बातें करता ये सोचे समझे बगैर। तुम बस एक कान से डाल के दूसरे से निकाल दिया करो। हाँ, मैं यही करती हूँ। ये आहद अख्तर कौन है? दोस्त है। इतने पार्सल क्यों आते हैं तुम्हारे नाम के इसकी तरफ से? आखिर होता क्या है डब्बों में? आप शक मत किया करें। हेलो, कोई और गुड़ ना खिलाना प्लीज। बड़ी मुश्किल से मैंने आप इसका गुस्सा ठंडा किया। अब अगर एक तोहफा भी आ जाए इस घर में तो अजाब कर देती हैं आप। इधर दें। क्या मसला? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मजाक समझ रखा तुमने। पहले तुम उसे यहां छोड़ने आ जाते हो बगैर पूछे, और अब तुम उसे लेने आ गए जबकि मैंने तुमसे पूछ के उसका मेडिकल में एडमिशन करवाया। तुम्हें अंदाजा है कि मेरा कितना रुपया खर्च हुआ उसकी एडमिशन के लिए? भाइयों, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको उस वक्त भी मना कर रहा था। मना कर रहे थे लेकिन किया तो नहीं था ना? और अब जब हमने उसका मेडिकल में एडमिशन करवा दिया है तो तुम कह रहे हो कि हम बच्ची को पढ़ा नहीं सकते? भाभी, आप समझ नहीं गई, घर में बड़ा मसला हो रहा है। बच्चियां अभी छोटी हैं और नूर कुलसुम का हाथ बढ़ा देती थी क्योंकि वो बड़ी है। मंगनी करवाने के लिए वो छोटी नहीं थी,
घर का काम काज करने के लिए छोटी पड़ गई। जाऊं, जाके कह दो चचा को कि तुम नहीं जाना चाहती उनके साथ। मैं मत करो, जाओ। लेकिन जाओ। जमान, जाके अपनी बीवी को कहो कि अपना घर और अपना घर का काम खुद संभाले। भाभी, आप मेरी एक बार नूर से बात तो करवा दें, एक बार। बेटा, अपने बाप को बता दो कि तुम अब यहां से कहीं नहीं जाओगे। मैं चलूंगी आपके साथ। देखो जमान, मेरे बाद मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। ले आए नूर को? नहीं, वो भाईजान ने लाने नहीं दिया। क्यों? बेटी है वो आपकी? हाँ, लेकिन वो खुद ही नहीं आना चाहती थी तो मैं क्या करूँ? अरे तो आप कहते तो सही ना। कमाल है। शमामा, यार वाईफाई किधर लगाया है? फिर पासवर्ड चेंज कर दिया तुमने। अपने घर में क्यों नहीं लगवा लेते तुम BTCL ब्रॉडबैंड? तुम्हारे वाले के इतने अच्छे सिग्नल आते हैं तो अपना क्यों लगवाऊं? ओहो, बड़ा बनठन कर निकले हो, कहाँ जा रहे हो? क्यों, आपको कोई इतराज है? नहीं, मुझे क्या इतराज? ओहो भाई, नए शूज, नई जीन्स, नई शर्ट, लगता है सीधा मैगजीन से निकल कर आ रहे हो। मसला क्या है तुम लोगों का जेलसी के अलावा, बताओ? यार देखो, मसला ये है कि तुम्हारे पास आजकल ये रोज नई शर्ट्स कहाँ से आ रही हैं? मतलब पहले तो इक्का दुक्का आती थी और अब रोज ही नहीं। है एक दोस्त, बेचता है। दोस्त? खुद भी लेता हूं मैं ज्यादातर। तुमने कहीं दोबारा से तो फंक्शंस में जाना नहीं शुरू कर दिया? बोले तुम लोगों को मेरी जबान पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। फंक्शंस में नहीं गा रहा मैं अब, लेकिन अब तुम भी अपनी मंगनी पे ना किसी बाहर से बुला लेना सिंगर को। व्हाटएवर, बात करते हैं, जा रहा हूं मैं। जाओ जाओ। अरे भाई फजल, चाय पिला दो। वलीद, वलीद यार, वलीद वलीद इधर गायब है यार, कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। बस कर दे, तू जब भी मुझे ऐसे ढूंढता ना कोई गलत खबर लेके आता है। यार क्या हो गया, इस दफा तो एक नया सुनहरा मौका लाया हूं तेरे लिए तार बनने का। बन जा तू। यार ये तेरे लिए लाया हूं मौका। यार ये देख रहा है मेरे हाथ, नहीं बनना मुझे स्टार, फिर आगे से मुझे शिकायत ना करी। बोल। कभी तूने सोचा तू क्यों
बैठो। गाना सुनोगी? हाँ। चलो, क्या याद करोगी तुम भी? मुझे बताना कैसे? अभी लिखा है मैंने। कभी तूने सोचा तू क्यों रहती उदास? तुम ऐसे देखोगी तो मैं गा नहीं पाऊंगा। कितना कुछ देखा तूने, कितना कुछ ना कहा, फिर भी मैं सोचूं हर पल कैसे इतना सहा। तू ना जाने तू ना माने, मुझे बनाया है तेरे लिए, आंसू तेरे जब मैं गिरते, हाथ मेरे उनके लिए। वक्त और फासले कुछ ना तेरे आगे, दिल की दरीचों से तुझ तक पास आऊं, जो तू पुकारे तेरे दिल में तब तक, जब तक तू चाहे मुस्कुराए, हंसती रहे सदा। दुआ है मेरी हमेशा तू खिलती रहे, मैं कह ना पाया ये तुझसे, तू मोहब्बत थी मेरे, खुदा से मांगो यही बस, तू खुश रहे, तू खुश रहे, तू खुश रहे। हाँ सब ठीक है, वो शनीला की शादी की तैयारियां हो रही है ना, वो मैं भाजन को कार्ड देने आऊंगा तो तुम्हें भी लेता हुआ आऊंगा बहन की शादी की तैयारियों के लिए। मैं ठीक है आऊंगा एक हफ्ते में बेटा। ठीक है तुम काम करो, फिर बात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। नमक देखिए इसमें। बात सुने आप, नूर को शनीला की शादी की तैयारियों के सिलसिले में बुला के बिठा लेंगे ताकि अगर कोई मसला नहीं भी होना तो भी हो जाए। अब क्या मसला होना? क्यों, 100 मसले हो सकते हैं। आपको पता तो है 1 साल से मंगनी हुई, कितनी मर्तबा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होते होते रह गया, इतने मसले हुए। और मैं बेला बेला कोई नई मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहता। अच्छे भले खानदानी लोग थे, सब तारीफें करते थे, अब मिले हैं तो ये लोग भी पता नहीं क्या क्या मास्क पहनकर फिरते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ खैर से मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, और वैसे भी मुझे बुरी नजर से बहुत डर लगता है। नूर तो बहन है उसकी, उसकी बुरी नजर क्यों लगेगी भला? जहर कर दिया नमक, ले जाओ। मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा? जी मैंने भी आपको देखा पहले। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। गाना भी अच्छा सर। तो तुमने पहले भी ऑडिशन दिया था? जी आया था। तो फिर मैंने क्या कहा था? आप गाना सुन लीजिए, आपको खुद ही याद आ जाएगा आपने क्या कहा था। गो फॉर इट। समझे ये ना तुझको जैसे हो कोई राज, पास जो मैं ना तेरे पास। कितना कुछ देखा तूने, कितना कुछ ना कहा, फिर भी मैं सोचूं हर पल कैसे इतना सहा। तू न जाने तू न माने, मुझे बनाया है तेरे लिए,
आंसू तेरे जब गिरते हाथ मेरे उनके लिए वक्त और फासले कुछ ना तेरे आगे दिल की दरीचों से तुझ तक आ जाऊं जो तू पुकारे तेरे दिल में तब तक जब तक तू चाहे मुस्कुराए हंसती रहे सदा दुआ है मेरी हमेशा तू खिलती रहे मैं कह ना पाया ये तुझसे तू मोहब्बत थी मेरी खुदा से मांगू यही बस तू खुश रहे तू खुश रहे तू खुश रहे। अच्छा गाया पर दिल को नहीं लगा। क्या पिछली दफा मैंने यही कहा था? जी लेकिन इस दफा दिल को लगा। You are selected. Thank you. Thank you so much. एक बार फिर कर। Please. Hi. आज आप आए मुझे लेने के लिए? बस आज आप मुझे अपने ड्राइवर समझ लें। ठीक है। चल। पता है मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया। Really? Yes. और मम्मी के बाद सबसे पहले आपको बताया मैंने। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन आप बहुत मशहूर सिंगर बनेंगे। नूर वो दिन दूर नहीं है। आइसक्रीम खाओगी इसी बात पे? हाँ। तुम बताओ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट स्टूडियो में गाना तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाना फजूल आदमी पहले तुम यहाँ पर हर रोज आके मेरे साथ आइसक्रीम खाए थे और अब एक नई लड़की मिल गई तो मेरी कॉल भी नहीं रिसीव करे। हाँ भाई बिग स्टार क्यों उठाएगा मेरी कॉल? मुझे थोड़ी पता तुम यहाँ हो। अच्छा नूर ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और ये नूर इनको यहीं बुला लो यहीं मिल लेते ना। चलो अच्छा मैं दो मिनट में आया। नूर कहाँ है? खैरियत? बात करनी है उससे। उसके सर में दर्द था सो गई। मैं कमरा चेक करके आई हूँ लॉक था। कभी तूने सोचा तू क्यों रहती उदास पास जो तू ना मेरे पास
समझे ना तुझको जैसे हो कोई रास, पास जो मैं ना तेरे पास। कितना कुछ देखा तूने, कितना कुछ ना कहा, फिर भी मैं सोचूं हर पल कैसे इतना सहा। तू न जाने तू न माने, मुझे बनाया तेरे लिए, आंसू तेरे जब हैं गिरते, हाथ मेरे उनके लिए। वक्त और फासले कुछ ना तेरे आगे, दिल की दरीचों से तुझ तक आ जाऊं जो तू पुकारे, तेरे दिल में तब तक जब तक तू चाहे, मुस्कुराए हंसती रहे सदा। दुआ है मेरी हमेशा तू खिलती रहे, मैं कह ना पाया ये तुझसे, तू मोहब्बत ही मेरी। खुदा से मांगू यही बस तू खुश रहे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और समीना तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ गए। मेरा? हाँ, मैं समीना से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही थी। मेरे रिश्ते? हाँ भाई, समीना चाह रही है कि उसामा की शादी के साथ साथ वो शमामा के बारे में भी फैसला कर ले। शमामा? मम्मी, मैंने कभी उसे ऐसे देखा ही नहीं, आप कैसे सोच सकती हैं? शमामा से? फरीद बेटा, नहीं एक्चुअली आप बात करें, आप उनसे रिश्ते की बात करें मम्मी, लेकिन नूर के लिए। नूर? मम्मी के बाद सबसे पहले आपको बताया मैंने। फजूल आदमी, पहले तुम यहाँ पर हर रोज आके मेरे साथ आइसक्रीम खाए थे और अब एक नई लड़की मिल गई तो मेरी कॉल भी नहीं रिसीव करे। हाँ भाई, ये बिग स्टार क्यों उठाएगा मेरी कॉल? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाना। चचा आए हैं शनीला की शादी का कार्ड लेकर और तुम्हें लेने। नूर, तुम्हारे और वलीद के दरमियान क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वलीद ने खाला से कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, मुझसे नहीं। तुम उससे शादी करना चाहती हो? वो झूठा और फ्लर्ट है, मैं उससे शादी क्यों करूंगी? और वैसे भी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, किसी सिंगर से शादी नहीं करूंगी। आपको करनी है तो आप कर लें। उसने कहा वो किसी सिंगर से शादी नहीं करेगी, वो डॉक्टर है। और उसने ये भी कहा कि तुम झूठे हो और फ्लर्ट। और समीना ने यही कहा मुझसे। ये सब नूर ने कहा है? मैं आपको नूर के तालीमी अखराजात उठाने से नहीं रोकती, मगर
मैं अब उसे यहाँ नहीं रख सकती। इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर तुम्हारे भांजे का है। वो तो अभी इनकार करके गई है शादी से। हाँ, क्या कसूर है क्या फिर किस्मत? आपा की तो शुरू से ख्वाहिश रही थी कि शमामा और वलीद की शादी, ये ख्वाब उन्होंने मेरी आंखों में डाला। तो मुझे ये बताओ कि जब शहनीला की शादी के बाद नूर वापस आना चाहेगी तो मैं उसे कैसे रोकूंगा? वो नहीं आएगी। शमामा बता रही थी कि वो अपना सारा सामान लेकर गई है। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरी बेटी बहुत अपसेट हुई है सब कुछ से। बहुत प्यार करती थी वो उसे, बहुत ट्रस्ट करती थी उसे। अल्लाह बेहतर करेगा, बैठो। देख लिया आपने अपने भाईजान को, कोई एक भी नहीं आया मेरी बेटी की शादी। भाई काम पड़ गया था उन्हें, वरना वो तो आने के लिए तैयार थे, फोन पर बताया तो था उन्होंने। अच्छा बस रहने दें आपके बहाने। महाराज शनीला के लिए तोहफे तो भिजवा दिए ना उन्होंने। कोई एहसान नहीं किया और मेरी बेटी को उन्होंने नूर जितना नहीं दिया। एहसान ही किया है, कोई फर्ज नहीं है उनका, ना शनीला को देना ना नूर को। और मेरी बात सुने, ये नूर अब हॉस्टल में क्यों रहेगी, भाईजन के घर क्यों नहीं? भाई वो जिद कर रही है तो मैं क्या करूं? घर बिठाए, सीधा सीधा जिद कर रही है। यानी मेडिकल के तीसरे साल पढ़ाई के बीच में उसे घर बिठा लो? कभी कभी तो बेवकूफी की बातें करती हो तुम। पता है एक दिन मेरा गाना भी तुम इसी तरह रेडियो पर सुनोगे। टीवी पर क्यों नहीं? टीवी पर भी, लेकिन तुम्हें रेडियो पे गाने सुनने का शौक ना, इसलिए। लेकिन अगर आप टीवी पर आएंगे तो मैं टीवी भी जरूर देखूंगी। गाना सुनोगी? आप मुझे आसिम अज़हर का गाना सुनाए ना प्लीज। नहीं, अपना गाना सुनाऊंगा, वो भी फ्री में। वो सुनाएगा तुम्हें फ्री में? सुनाओ। चांद कहता है और तारे भी सोचें, तू जो आ जाए कैसे जगमगाए हम। शर्मा के जब मुझसे नजरें चुराए, दिल करता है तुझ में समाए हम। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, समझो तो जरा। हलचल दिल में मची हुई देखो ये जरा, तू मेरी जिद जाने सोनी है। सब कुछ बारा में दिल दिया गल्ला करी है, हिर तू मेरी राजा मैं, तू मेरी जिद जाने सोनी है। तेरे ते सब कुछ बारा में दिल दिया गल्ला करी है, हिर तू मेरी राजा मैं। मैं तो चुप सा था, क्या जब था वो समा, नजरों से कहा और नजरों से सुना। तुम भी चुप सी थी पर तेरी मुस्कुराहट ने कह दिया इतना कि खुली एक नई दास्तां। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे, समझो तो जरा। हलचल दिल में मची हुई है तो देखो ये जरा, तू मेरी जिद सोनी है। तेरे ते सब कुछ वारा मैं दिल दिया गलना करे, हिर तू मेरी राजा मैं, तू मेरी जिद जान सोनी है। तेरे ते सब कुछ वारा मैं दिल दिया गलना
कभी तूने सोचा तू क्यों रहती उदास, पास जो तू ना मेरे पास, समझे ये ना तुझको जैसे हो कोई रास, पास जो मैं ना तेरे पास, कितना कुछ देखा तूने कितना कुछ ना कहा, फिर भी मैं सोचूं हर पल कैसे इतना सहा, तू न जाने तू न माने मुझे बनाया तेरे लिए, आंसू तेरे जब हैं गिरते हाथ मेरे उनके लिए, वक्त और फासले कुछ ना तेरे आगे, दिल की दरीचों से तुझ तक आ जाऊं जो तू पुकारे, तेरे दिल में तब तक जब तक तू चाहे मुस्कुराए, हंसती रहे सदा, दुआ है मेरी हमेशा तू खिलती रहे, मैं कहना पाया ये तुझसे तू मोहब्बत से मांगो यही बस, तू खुश रहे, तू खुश रहे, तू खुश रहे, जिंदगी मुकम्मल जो तुम हमको मिले, पास जो तुम आए पास, सांसें हैं जुड़ी सी और धड़कन है बड़ी, पास तेरी मुस्कुराहट में हमारी चाहत, और तेरी चाहत में हमारी उल्फत, तू जो चाहे वो ही पाए है खुदा से दुआए मेरी, खुशियों से मैं झोली भर दूं आज भी ना आए कभी, और फासले कुछ ना तेरे आगे, दिल की दरीचों से तुझ तक आ जाऊं जो तू पुकारे, तेरे दिल में तब तक जब तक तू चाहे मुस्कुराए, हंसती रहे सदा, दुआ है मेरी रहे, तू खुश रहे।
तुम्हें क्या हुआ? जे? कहीं प्यार तो नहीं कर बैठे? मैं? बड़ा दर्द आ गया तुम्हारी आवाज में। दिल को लग गया कुछ? तेने छड़ राता ना सोवे ए मुंडा दिल दिया गल्ला केवे तेनु सुनावा कुड़िये ते सुने जा From the left to the right to the front to the back Girl I gotta know how you do it like that Will you be my superstar? Let them know how cool we are From the left to the right to the front to the back Girl I gotta know how you do it like that Jelly jelly yeah to the stars Only thing is I don't have a car Na mere kol hai gaddi Na mere kol hai paisa Par main promise karda Mere dil vich teri jagah Na mere kol hai gaddi Na mere kol hai paisa Par main promise karda Mere dil vich teri jagah Mere dil vich teri jagah कश्ती हूँ मैं साहिल है तू देखूं जिधर आए नजर मंजर में हर हायल है तू बेअसर हुई हर दुआ फिर भी ना तू मेरा हुआ खामोशियां छोड़ दे आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है आपके वैसे ही सर में दर्द हो रहा होगा मैं आपको मेडिसिन देती हूँ वो इस्तेमाल कीजिए शुक्र है अल्लाह का मेरा बीपी नॉर्मल है ऐसे ही मैं परेशान हो रही थी और मेरी बेटी मुझे जो दवाई देती है ना मैं सिर्फ वही खाती हूँ इतनी शिफा है माशाल्लाह तुम्हारे हाथ लो भाई नूर छुट्टियों पे आई है और तुमने आते ही उसे इलाज मुआवजे पे लगा दिया नहीं मैंने कहा इलाज मुआवजे पे लगाया मैंने तो सिर्फ बीपी चेक कराया सर में दर्द हो रहा था इलाज मुआवजे के लिए तो अभी मोहल्ले वाले आएंगे जब उन्हें इसके आने का पता चले यानी डॉक्टर बनने से पहले ही डॉक्टरी शुरू कोई बात नहीं अब्बू ये क्या है ये भाईजन के घर से आया बेटा शमामा की शादी का कार्ड है अच्छा शमामा की शादी कहाँ कर रहे हैं समीना अपनी बहन के बेटे से कर रही है भाईजन ने बहुत ताकीद की आने की तो जरूर चलना है कुलसुम बेगम एक कप चाय पिला दो जरा आके अरे आपकी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं जिया तेरे जीवन में ये जान के इस रात का ना होगा सवेरा हंसते रहे सनम तुझसे नहीं मैं खुद से जो हारा जान के भी हम रुके जान के भी ना गए जान के भी ना गए जान के खुद से ही हारा हारा मैं तुझसे तो
कोई मरासी से डॉक्टर लड़की तो नहीं शादी करेगी, है ना? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप बहुत अच्छे हैं, कोई भी लड़की आपके साथ शादी कर सकती है। आप करेंगी जी? देखा, आप तो यकीनन कोई अपनी जैसे से करेंगी। जान के खुद से ही हारा, सब कुछ मिला पर तुम ना मिले, धोखा नहीं था खुद से वो वादा। मैं डॉक्टर बनना चाहती, किसी सिंगर से शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल लग गया कुछ। झूठा नहीं जो खुद से मैं हारा, जान के भी हम रुके, जान के भी ना गए, जान के भी ना गए, जान के खुद से ही हारा। हेलो नूर, शुक्र है तुम्हारा फोन तो मिला। इधर तो मोबाइल सर्विस ही बंद है, तभी तो BTCL लैंडलाइन से कॉल की। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक, इसका मतलब है कार्ड मिल गया तुम्हें। हाँ आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी, तुम्हारी शादी में कैसे मिस कर सकती हूँ। जरूर आऊंगी। कब आना है? मैं कितनी बेवकूफ हूँ, आज भी वहीं खड़ी हूँ। कुछ भूल क्यों नहीं जाती, जैसे सब भूल गए। वलीद, शमामा, सब। नूर, तुम आ गई? ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसके साथ आई हो? मैं खुद आई हूँ हॉस्टल से, और पता है अब मैं हर जगह खुद ही आया जाती हूँ। फाइनली। तायमी कहाँ है? सब अंदर हैं, आओ तो। आ जाओ, इसको छोड़ दो, वो ले जाएगा। आ जाओ। आप क्यों लेकर आ गए? दुल्हन ने काम नहीं करते। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि बस काम करना शुरू कर दी। ओह माय गॉड, और देखो कॉफी बना लाए, हालांकि तुम चाय पीती हो, दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, अब मैं कॉफी पीती हूँ। रियली? बहुत बदल गई हो।
बहुत ज्यादा। तब्दीली अच्छी होती है। हर तब्दीली अच्छी नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, बहुत रंज है उसका। कैसी ज्यादती? कुछ ओवर रिएक्ट किया जब वलीद ने मेरे लिए इनकार करके खाला से तुम्हारे लिए कहा। अब इस बारे में कुछ मत कहो। अपनी जिंदगी उसके साथ और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है शमाना, और तुम्हें पता तो है फजूल बातें करने की आदत है उसकी। ऐसे मुझे भी पता नहीं क्या क्या कह दिया था। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। अब तुम दोनों की शादी होने वाली है शमाना, प्लीज। शादी? एक सेकेंड, तुम क्या सोच रही हो? मैं और वलीद, स्टुपिड, मेरी और आबिस की शादी होने वाली है। बेवकूफ हो तुम। कार्ड खोल के भी नहीं देखा तुमने। कैसे देखती? इतनी हिम्मत नहीं मेरी कि उसका नाम किसी और के साथ में देखो। और फिर भी शादी में शिरकत के लिए आ गई। वो तो मैं तुम्हारी वजह से आई थी। इडियट, मैं उससे कैसे शादी कर सकती थी जो तुम्हें अच्छा लगता था? और मैं शर्मिला की तरह तुम्हारे सिर के नीचे आ सकती थी। बहुत सोचा मैंने, और फिर मुझे लगा कि अगर ईगो को एक साइड पे करना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। और ना ही मुझे वलीद से इतनी मोहब्बत थी कि उसको किसी और के लिए छोड़ना मुझे कुर्बानी लगता। तो बस मैंने बेहतर इंतखाब किया। आबिज और मैं ज्यादा कंपैटिबल हैं, जैसे तुम और वलीद एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। हम थे भगवान आगे गुजर। और अब जो गाना आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा और इनफैक्ट सबसे फेमस गाना है। और ये किसी के लिए मैंने लिखा था, और आज मुझे मौका मिल रहा है कि पहली दफ़ा मैं ये उस शख्स के सामने परफॉर्म करूँगा। तो अगर आप लोगों की इजाज़त है तो।
जो पास तू मेरा जहां मेरे पास है, समझे ना तू नजदीकियां कुछ खास है, अब दरमियां जाने ना क्यों मैं हूं तुम बिन अधूरा, कैसे मैं यूं जीऊं देखकर मुझे आजमा, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे, कश्ती हूँ मैं साहिल है तू, देखूं जिधर आए नजर मंजर में हर हाइल है तू, बेअसर हुई हर दुआ फिर भी ना तू मेरा हुआ, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे कैसी हो? आप कैसे? ऐसा ही, मैं नहीं बदला, मैं भी नहीं बदली। तुम बदल गई हो, पता है? तुम्हारी पेशन कोई पूरी हो गई, मैं बहुत फेमस सिंगर बन गया, लेकिन बहुत चीजें हैं मैं जो मिस करता हूं। क्या? एक लड़की के मेरे फैन पेज पर इकलौते कमेंट्स,
बस जिंदगी मसरूफ हो गई है, और वैसे भी अब उस पेज पर लाखों कमेंट्स आते हैं। राहत अख्तर के नाम से भेजे जाने वाले तोहफे भी बहुत मिस करता हूँ। बेवकूफी थी वो मेरी, मुझे पता होना चाहिए था कि आप इतने गरीब नहीं हैं, और वैसे भी मुझे उस वक्त सिर्फ राहत अख्तर का नाम ही आता था। पांच हजार का चेंज है तुम्हारे पास? हाँ अब है। तुम वाकई बदल गई, और आपके पास अभी भी खुला नहीं होगा। मैं नहीं बदला बिल्कुल भी। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को आइसक्रीम खिलाने लेके गया, और वो भी अपने पैसों से, और वो मुझे फ्लर्ट समझकर भाग गई। तो आपको क्या फर्क पड़ा इससे? फर्क पड़ा है तो आज हूं यहां मैं, ये जानने के बावजूद कि कोई डॉक्टर किसी मरासी से शादी नहीं करेगी। मरासी से तो कर लेती, मैं फ्लर्ट और झूठा नहीं हूं नूर। तुमसे कब मैंने फ्लर्ट किया या झूठ बोला बताओ? एक साल दो महीने तीन हफ्ते और बारह दिनों के बाद मिला हूं मैं तुम्हें आज। घंटे और मिनट गिनवाऊं? हाँ कोई फ्लर्ट करता है इतनी गिनतियां? हाँ पांच घंटे 27 मिनट और 17 सेकंड से मिलने के बाद। हाँ मेरी घड़ी की सुइयां तुमसे मिलने के पास शुरू हुई। कुछ खास है अब दरमियां। अभी भी सुनती हो आंसू मुझे को? उसको तो सुनना मैंने कब का छोड़ दिया। तो अब किसको सुनते हैं? नाराजियां खामोशियां छोड़ दे।